हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में चार एकदम अलग तरह के नाश्ते की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। ये चारों ही नाश्ते खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू की जाए बनाना। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा गूंथ करके तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने 200 ग्राम मैदा लिया है। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून फ्लेवर के लिए अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को हाथों से हम क्रश करके डालेंगे, इससे अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मोयम। हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी का मोयम देंगे। आप तेल का भी मोयम दे सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को मैदा के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद हम मैदा को हाथ में लेंगे और ये बहुत ही अच्छे से बंध रहा है। इट मीन्स मोयम एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे आवश्यकता अनुसार और हम इसका एक सेमी थिक डो तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, मैदा को हमने गूंथ करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक पॉलिथीन बैग में कवर करके रख देंगे रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए। फिर हम इसके समोसे बनाएंगे। जब तक मैदा रेस्ट करता है तब तक हम आलू का एक तीखा चटपटा मसाला बना के तैयार कर लेंगे समोसे के लिए। आलू का मसाला तैयार करने के लिए आज हम लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और तेल को अभी हम गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया और साथ ही में हम इसमें डालेंगे पंचफोरन। पंचफोरन से तड़का देने से आलू के मसाले में अच्छा टेस्ट आता है। पंचफोरन को भी अच्छे से हम भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को चलाते हुए इसे हम अच्छे से भून लेंगे। हरी मिर्च भी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े साइज के आलू कटे हुए और 100 ग्राम हम इसमें ताजी छीली हुई मटर ऐड करेंगे। यदि आपके पास ताजी मटर नहीं है तो आप फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजों को हम अच्छे से भून लेंगे तड़के के साथ में। आलू मटर को हमने हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक भून लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। 2 बड़े चम्मच दम आलू मसाला ऐड करेंगे। हलवाई लोग समोसे का मसाला तैयार करने के लिए दम आलू मसाले का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आलू के मसाले में एक डिफरेंट टेस्ट आता है और इसका टेक्सचर भी अच्छा आता है। अब हम दम आलू मसाला डालने के बाद इसे एक बार फिर से हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक भून लेंगे। और इसी के साथ ही अब हम इसमें आधी ग्लास पानी ऐड करेंगे और पानी को भी हम अच्छे से मिला लेंगे सारी चीज़ों के साथ में। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग डालने से आलू के मसाले में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे लो फ्लेम पर पकने के लिए 5 मिनट के लिए। आलू को पकते हुए 5 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा करके हम चेक कर लेंगे। आलू ऑलमोस्ट पक के तैयार हो चुके हैं। इसे एक बार फिर से चला देंगे और पानी भी पूरी तरह से सूख गया है। अब हम एक पोटैटो मैशर लेंगे, इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। हलवाई लोग बिल्कुल इसी प्रोसेस से आलू का मसाला तैयार करते हैं समोसे के लिए। हमने इस मसाले को तैयार करने के लिए लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। यदि आप चाहें तो एल्युमिनियम की कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पारंपरिक तरीके से जो समोसा बनाया जाता है उसमें लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे किशमिश और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को फिर से मिला लेंगे और ये आलू का मसाला बन के तैयार हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इससे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर हम इसके समोसे बनाएंगे। और ये मैदे का डो भी रेस्ट कर चुका है, इसे हम पॉलिथीन बैग से निकालेंगे। मसलते हुए इसे हम एक बार फिर से गूंथ करके तैयार कर लेंगे और इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बना के तैयार कर लेंगे। एक लोई लेंगे मैदे की, इसे हम रोलिंग बोर्ड पर रखेंगे और बेलन की हेल्प से इसे हम गोल बेल लेंगे। यदि आपको इसे बेलने में समस्या आए तो थोड़ा सा आप सूखा मैदा छिड़क सकते हैं। फिलहाल इसे बेलने में कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि हमने इसे मोयम का इस्तेमाल किया है, तो ये ऐसे ही बेला जाएगी। और ये लीजिए, हमने इसे बेल करके तैयार कर लिया है। अब हम एक नाइफ लेंगे और इसके सेंटर
ग्राइंडर से हम इसे दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। अब हमने जो रोटी काटी हुई है उसका एक भाग लेंगे और उसके दोनों किनारों को हम पकड़ेंगे और इस तरह से देखिए हम इसे फोल्ड करेंगे। वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा कि हम इसे किस तरह से फोल्ड कर रहे हैं। अब हम आलू का मसाला लेंगे और जो हमने ये कोन तैयार किया हुआ है इसके अंदर हम भरेंगे। ज़्यादा नहीं भरेंगे, एक ही चम्मच भरेंगे। यदि हम ज़्यादा भर देंगे तो फ्राई करते समय समोसे से मसाला बाहर आ जाएगा और तेल सारा खराब हो जाएगा और समोसे भी खराब हो जाएंगे। आलू का मसाला भरने के बाद हम इसे अच्छे से दबाते हुए लॉक कर लेंगे इस तरह से। और ये लीजिए हमारा एक समोसा बनके तैयार हो चुका है। सेम प्रोसेस से हमें सारे ही समोसे बना के तैयार करने हैं। मैं आपको एक समोसा और बना के दिखा रही हूँ। हलवाई लोग बिल्कुल इसी प्रोसेस से समोसा बना के तैयार करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत किचन में जाएंगे और इन टेस्टी से समोसों को घर में ज़रूर बनाएंगे। और इन समोसों की खास बात यह होती है कि आप इन्हें पहले से बना के रख लीजिए, जब आपको इन्हें खाना हो तब आप इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं। और ये लीजिए हमने कुछ समोसे बना के तैयार कर लिए हैं। हम इन्हें बनाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे, इससे हमारा काम भी जल्दी होगा और टाइम भी बचेगा। समोसों को फ्राई करने के लिए तेल बहुत ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए। हम इन्हें मध्यम गर्म तेल में डाल करके फ्राई करेंगे। यदि हम इन्हें बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डाल के फ्राई करेंगे तो तेल में जाते ही लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और समोसे पर चित्तियाँ भी पड़ जाएंगी। इसलिए हम इन्हें मध्यम गर्म तेल में डालेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। शुरू में हम इसे बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे। अब ये समोसे एक साइड से सिक चुके हैं तो अब हम इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद हम इन्हें अलटते पलटते हुए सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। एक ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि यदि आप हलवाई वाला असली स्वाद चाहते हैं इन समोसों में तो आप इन्हें फ्राई करने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करिएगा, धीमी आंच में ही फ्राई करिएगा ताकि ये अंदर तक अच्छे से सीख करके क्रिस्प हो सके और इस पर एक अच्छा सुनहरा कलर आ सके। और ये हमारा फर्स्ट बैच का समोसा फ्राई हो चुका है, इसे हम तेल से अलग कर लेंगे। और ये लीजिए हलवाई स्टाइल गरम समोसे बनके तैयार हैं खाने के लिए। हमने इसे तीखी और मीठी चटनी के साथ में सर्व किया है। आप इसका अंदर से टेक्सचर देखिए, अंदर से इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप हलवाई वाले समोसे खाते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और जीरे को हम चटकने देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इन्हें हम चलाते हुए मिला देंगे। 1 ग्लास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब पानी हमने यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है, यदि आप चाहें तो गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें दरदरी कुटी हुई मिर्ची ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा और इन सारी चीज़ों को हम पानी में एक उबाल आने तक पका लेंगे। और ये लीजिए पानी में एक उबाल आ गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम सूजी। इस नाश्ते को बनाने के लिए आप बारीक वाली या मोटी वाली कोई भी सूजी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी को हम एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा इसे हम पानी में डालेंगे और मिलाते जाएंगे। सूजी को हम एक बार में पानी में नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे। और जब हम सूजी को पानी में डालेंगे तब गैस की फ्लेम को हम लो पे रखेंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। सूजी पानी पीने में माहिर होती है, इसलिए बहुत ही तेज़ी से ठीक होना शुरू हो जाती है। हम इसे लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए एक डो के फॉर्म में इकट्ठा होने तक पका लेंगे। और ये लीजिए सूजी हमारी जो है डो के फॉर्म में इकट्ठा होने लगी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। अब हम इसमें 2 उबले हुए ग्रेट करके आलू ऐड करेंगे। यदि आप आलू को मैश करके इसमें ऐड करते हैं तो आलू को मैश करने के बाद उसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो नाश्ता बनाने में समस्या आएगी। और ये लीजिए हमने दोनों ही आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे सूजी के साथ में मिक्स कर लेंगे। एक ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि जब आलू को आप इसमें ऐड करें तो आलू ठंडा होना चाहिए, गरम आलू का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो नाश्ता चिपचिपा हो जाएगा और अच्छे से नहीं बन पाएगा। ये एक ज़रूरी बात है इस नाश्ते को बनाते समय, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा।
खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। और इस नाश्ते को और भी चटपटा बनाने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए हाफ नींबू का रस ऐड कर देंगे। यदि आप चाहें तो ड्राई मैंगो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और ये मिक्स हमारा तैयार हो चुका है। हम इसे एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मिक्सचर को ट्रे में डालने से पहले इसे हम तेल या घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इससे मिक्सचर ट्रे में नहीं चिपकेगा। यदि आपके पास इस तरह की ट्रे नहीं है तो आप कोई थाली या फिर प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सचर को ट्रे में डालने के बाद इसे इक्वली हम पूरी ट्रे में अच्छे से फैला देंगे। मिक्सचर को पूरी ट्रे में फैलाने के बाद हम नाइफ से इसके पीस काट करके तैयार कर लेंगे। यदि मिक्सचर नाइफ में चिपक रहा हो तो आप नाइफ को भी थोड़ा सा तेल या घी से ग्रीस कर लीजिएगा। इससे मिक्सचर चाकू में नहीं चिपकेगा। हम इसे ट्रायंगल शेप में काट रहे हैं। यदि आप चाहें तो इसे स्क्वायर शेप में, कतली या फिर आप इसे सिलेंडर शेप भी दे सकते हैं। हम जिस तरह से सैंडविच होती है ट्रायंगल शेप में, उसी शेप में इसे काट रहे हैं। और ये लीजिए, हमने सारे ही ट्रायंगल पीस काट करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें ट्रे से अलग कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ट्रे से निकल जाते हैं और जो ये साइड से बिखरा हुआ है इसे हम हाथों से शेप अप कर लेंगे। और सेम प्रोसेस से हम सारे ही पीस को अलग कर लेंगे और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। यदि आप चाहें तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। इस नाश्ते को फ्राई करते समय तेल बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए। मध्यम गर्म तेल या फिर मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इस नाश्ते को बिल्कुल भी नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा तेल को पी लेंगे। ये एक ज़रूरी पॉइंट है इस नाश्ते को फ्राई करते समय, इसका आप ध्यान रखिएगा। और इस नाश्ते को हम शुरू में बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे। जब ये एक साइड से हल्के से सिक जाएंगे तभी हम इन्हें टर्न करेंगे। और ये नाश्ता एक साइड से अब सिक चुका है, अब हम इन्हें टर्न कर लेंगे। और टर्न करने के बाद हम इन्हें अलटते पलटते हुए सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये नाश्ता बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, बढ़िया सुनहरा कलर इसमें आ गया है। अब हम इसे कढ़ाई से अलग कर लेंगे। हम इन्हें टिश्यू पेपर पर रखेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल हो सोख हो जाए। और सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। सुबह या शाम की चाय के साथ में जब कुछ तीखा या चटपटा खाने का मन करे या फिर घर में अचानक से गेस्ट आने वाले हों तब आप इस नाश्ते को बना करके सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब लगते हैं। और ये लास्ट बैच का नाश्ता भी फ्राई हो चुका है, इसे भी हम कढ़ाई से अलग कर लेंगे। अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। और ये लीजिए, सूजी और आलू से बनने वाला ये टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है खाने के लिए। ये नाश्ता ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी होता है और अंदर से एकदम नरम होता है। जब आप इस नाश्ते को बनाकर खाएंगे तो बार बार इसी को बनाकर खाना पसंद करेंगे और घर में भी सब लोग इसी नाश्ते की बार बार आपसे डिमांड भी करेंगे। इन टेस्टी से आलू के पकौड़ों को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के आलू को बॉयल करके इसे गर्म पर ही मैश कर लिया है। आलू को मैश करने के बाद इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर। कॉर्नफ्लोर पाउडर इसमें बाइंडिंग का काम करेगा। इसकी जगह पर आप आरारोट या फिर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर पाउडर आपको इजीली मार्केट में भी मिल जाएगा, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे रंग के लिए, और टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। और साथ ही में हम इसमें 2 बारीक कटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे। इससे पकौड़ों का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही अच्छा आता है। खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। और अब हम सारे मसालों को आलू के साथ में मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर को तैयार करते समय हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हमने इस मिक्सचर को तैयार करने के लिए जो कॉर्नफ्लोर पाउडर का इस्तेमाल किया है ये आपको किसी भी किराने के दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। यदि आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं
तो हमने लिंक दे दिया है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये पकौड़े का मिक्सचर तैयार हो चुका है, अब हम पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। पकौड़े बनाते समय हाथों में हम थोड़ा सा तेल या घी ग्रीस कर लेंगे, इससे मिक्सचर हमारे हाथों में नहीं चिपकेगा। थोड़ा सा हम पकौड़े का मिक्सचर लेंगे, इसे हथेली के बीच में रख के गोल करेंगे और चपटा कर देंगे। और ये एक पकौड़ा बनके तैयार हो चुका है आलू का। सेम प्रोसेस से हम सारे ही पकौड़े बना के तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, यदि आप चाहें तो इस काम में अपने बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से हम सारे ही आलू पकौड़े बना के तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने सारे आलू पकौड़े बना के तैयार कर लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों को हम बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डाल करके फ्राई करेंगे, इन्हें हम मध्यम गर्म तेल में ही डाल करके फ्राई करेंगे। यदि हम इन्हें हाई गर्म तेल में फ्राई करेंगे तो ये तेल में जाते ही लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हम इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। शुरू में हम इन पकौड़ों को बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे, जब ये एक साइड से सिक जाएंगे तब ये हल्के होकर ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, तब हम इन्हें टर्न करेंगे। और ये पकोड़े एक साइड से सिक चुके हैं, अब हम इन्हें टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद इन्हें हम लटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये पकोड़े अच्छे से सिक के तैयार हो चुके हैं, गोल्डन कलर इसमें आ गया है। अब हम इसे कढ़ाई से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी के पकोड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। यदि घर में गेस्ट आने वाले हों या फिर सुबह या शाम की चाय का वक्त हो और आपको नाश्ते में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आज क्या बनाया जाए, तो आप इन इजी से आलू के पकौड़ों को बना करके सबको खिला भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीका बताया है इन आलू के पकौड़ों को कैसे बनाना है। और ये लास्ट बैच के पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम कढ़ाई से अलग कर लेंगे और अब हम इन पकौड़ों की प्लेटिंग करेंगे। और ये लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बनके तैयार हैं खाने के लिए। हमने इसे ग्रीन चटनी और टमाटो सॉस के साथ में सर्व किया है। ये आलू के पकौड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब लगते हैं। गोभी के पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम कटी हुई फूल गोभी ले रखी है। गोभी को हमने मोटे पीस में काट करके तैयार किया है। आप इसके बहुत पतले पीस मत करिएगा, नहीं तो पकौड़े अच्छे से नहीं बन पाते हैं। थोड़े से मोटे पीस रहते हैं तो पकौड़े अच्छे से बनके तैयार होते हैं। और एक ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि गोभी को काटते समय एक बार आप इसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि इसके अंदर कीड़े वगैरह ना हों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गोभी के अंदर छोटे कीड़े भी होते हैं, तो आप इसे काटते समय चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ये एक ज़रूरी पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा। गोभी को हमने पहले से धुल लिया था, अब हम इसे रखेंगे पानी में पकने के लिए। गोभी को पकाने के लिए हमने पतीले में पहले से ही 2 ग्लास पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी हल्का गर्म हो गया है, 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। और अब हम इसमें कटी हुई गोभी को डाल करके इसे हम पानी के साथ में मिला देंगे। इसे मिलाने के बाद हम इसे ढककर नहीं पकाएंगे, हम इसे खुला ही पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। और एक ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि गोभी को हमें पूरी तरह से नहीं कुक करना है, हमें इसे 50% ही कुक करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये गोभी ऑलमोस्ट पक के तैयार हो चुकी है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और गोभी को हम गर्म पानी से अलग करके इस समय एक छन्नी पर रखेंगे और गोभी को हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे, तभी हम इसे पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पकौड़े बनाने के लिए अब हम बेसन का बैटर तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमने मिक्सिंग बाउल लिया है। इसमें हम 200 ग्राम बेसन डालेंगे और 100 ग्राम अब हम इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे पकौड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए। इन दोनों को डालने के बाद अच्छे से हम मिला लेंगे। इसकी जगह पर आप पोहे को पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इन्हें मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर
और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और मिर्ची कुटी हुई। इससे पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप इन्हें कूट कर ही डालिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक चौकी हुई प्याज। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, प्याज इन पकौड़ों में पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे तो पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे आवश्यकता अनुसार और हम इसका एक थिक बैटर तैयार कर लेंगे। गोभी के पकौड़े के लिए बैटर को हमें थिक ही बनाना है, हमें इसे पतला नहीं बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये बैटर काफ़ी थिक लग रहा है तो हम इसमें फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम बैटर के साथ में मिलाते हुए एकदम स्मूथ कर लेंगे। और ये बैटर तैयार हो चुका है, अब हम इसमें गोभी को भी ऐड करेंगे और इसे भी हम बेसन के बैटर के साथ में मिला लेंगे। एक ज़रूरी पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप गोभी को गर्म पर ही बैटर में डाल करके बिल्कुल मत मिलाइएगा, नहीं तो ये टूट करके बिखर जाएंगी। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए पकाने के बाद तभी आप इन्हें बैटर के साथ में मिलाइएगा। हमने बेसन की कोटिंग अच्छे से गोभी पर कर ली है, हम एक एक पीस को इस तरह से उठाएंगे और अब हम इन्हें तेल में डाल करके फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब आप पकौड़ों को तेल में डालें तो गैस की फ्लेम को लो पे कर दें। सारे पकौड़ों को तेल में डालने के बाद फिर गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर दें। इन पकौड़ों को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए सुनहरा कलर आने तक फ्राई करना है। हम इन्हें हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये तेल में जाते ही लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ये पकौड़े एक साइड से अब सीख चुके हैं, अब हम इन्हें पलट लेंगे। इन्हें पलटने के बाद हम इन्हें अलटते पलटते हुए सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए, गोभी के पकौड़े फ्राई हो चुके हैं और अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए और बहुत प्यारा इसमें कलर भी आ गया है। हम इन्हें तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी के पकौड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। एक ज़रूरी पॉइंट यहाँ पर यह है कि इन गोभी के पकौड़ों को फ्राई करते समय आप गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखिएगा, हाई मत रखिएगा। हम इन्हें जब मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो पकौड़े अंदर तक अच्छे से सिक जाते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। और ये लीजिए, लास्ट बैच के पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम कढ़ाई से अलग कर लेंगे। और अब हम इन पकौड़ों की प्लेटिंग करेंगे। हमने इन्हें 2 तरह की चटनी के साथ में सर्व किया है, आप इसे किसी भी चटनी के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। और अपने एक्सपीरियंस नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।